द्रोणाचार्य जी के पिता महर्षि भारद्वाज एक समय गंगा द्वार नामक स्थान पर कई ऋषियों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। महर्षि भारद्वाज के उस विशाल यज्ञ को देखकर देवराज इंद्र के मन में यह शंका उत्पन्न हो गई कि भारद्वाज मुनि उनके स्वर्ग का राज्य पाने के लिए इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने भारद्वाज मुनि के तप को भंग कराने के लिए एक घताची नाम की अप्सरा को पृथ्वी पर भेज दिया था। सुबह सुबह जब महर्षि भारद्वाज गंगा नदी में स्नान करने के लिए आए तो उन्हें वह अप्सरा घृताची गंगा नदी में स्नान करती हुई मिली। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सभी अप्सराएं स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहती हैं और बड़ी ही मनमोहक सुंदर होती हैं, और देवराज इंद्र अक्सर अपनी इन अप्सराओं की सुंदरता को बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग कराने का काम किया करते हैं। इसी प्रकार जब पानी से भीगी हुई घृताची अप्सरा अपनी कामुक अवस्था में महर्षि भारद्वाज के पास से होकर गुजरी तो उनके पवित्र मन में भी काम वासना जाग उठी थी, परंतु महर्षि भारद्वाज को तुरंत ही अपने यज्ञ का ख्याल आ गया था। इसलिए उन्होंने अपने मन को अपने वश में रखने की बहुत कोशिश की, परंतु मन में पैदा हो चुके काम विकार के कारण उनका वीर्य स्खलित होने लगा। यह देखकर महर्षि भारद्वाज ने अपने उस वीर्य को पत्तों के बने एक दोने में गिराकर वहीं झाड़ियों में रख दिया था। इस घटना के होने पर महर्षि भारद्वाज द्वारा संकल्प लेकर किया जाने वाला वह यज्ञ भंग हो गया था। इस कारण उन्हें फिर से यज्ञ करना पड़ा था, परंतु फिर से किए गए उस यज्ञ का महत्व उतना नहीं रह गया था जिससे देवराज इंद्र के मन में डर पैदा हो सके। यज्ञ समाप्त होने के बाद महर्षि भारद्वाज अपने आश्रम में आकर रहने लगे थे और पुनः अपने तप में लीन हो गए थे। कुछ दिनों बाद महर्षि भारद्वाज हमेशा की तरह अपने ध्यान में बैठे थे कि तभी उन्हें अपने तपोबल से कुछ ज्ञात हुआ और वह आश्रम से चलकर गंगा नदी के किनारे उसी स्थान पर आए जहां उन्होंने अपने वीर से भरे दोने को रखा था। तो महर्षि भारद्वाज ने देखा कि उस दोने में वीर के स्थान पर एक बालक पड़ा हुआ है। वह बालक महर्षि भारद्वाज के वीर से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह उनका पुत्र था। महर्षि ने उस पुत्र को अपनी गोद में उठा लिया। महर्षि भारद्वाज का यही पुत्र महायोद्धा द्रोणाचार्य था। किसी माँ के गर्भ के स्थान पर इनका जन्म पत्तों से बने दोने में हुआ था, इसी कारण इनका नाम द्रोण पड़ गया था।